हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या। वेलकम टू माय चैनल क्विस्ट ऑफ संध्या। आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी पुराने फ्राइंग पैन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तरह का आपके पास अगर कोई भी पुराना फ्राइंग पैन होगा, आप इसका बहुत सारे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आज आपको एक तरीका दिखाऊंगी। चलिए, इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। इसका हैंडल भी थोड़ा सा टूट गया था और इसको भी मैंने हॉट ग्लू गन से फिक्स किया। इसके लिए हम लेंगे पहले वाइट कलर का एक्रिलिक, उसके साथ थोड़ा सा मैंने मिलाऊंगी हेवी कलर, ताकि थोड़ा सा जो बाइंडिंग है अच्छा आएगा। नहीं मिलाओगे तो भी चलेगा। और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके ऊपर मैंने लगाई हूँ दो कोट। उसके बाद इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए, थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सीनरी क्रिएट की हूँ। और इसके लिए मैंने पहले लगा रही हूँ येलो ली हूँ, और उसके बाद ऑरेंज, और उसके बाद रेड। ये सारे कलर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसका शेडिंग देने के लिए कुछ कलर भी और मैंने, जैसे ब्लैक आप ले सकते हो, ब्लैक के बदले में आप ब्लू का इस्तेमाल कर सकते हो, और थोड़ा सा डार्क रेड का भी, या थोड़ा सा डार्क ब्राउन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह का कोई भी कलर आप ले सकते हो। और जैसे मैंने ये सीन क्रिएट की हूँ वो इवनिंग का है, तो इसलिए जो कलर मुझे चाहिए था मैं इस तरह का ले रही हूँ। यहाँ पर नीचे की तरफ मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर ले रही हूँ, एक लाइट ग्रीन और एक डार्क ग्रीन भी यूज़ की हूँ, ताकि ये थोड़ा सा जैसे जमीन का ग्रास का लुक देने के लिए। इसको ये सारे को मिक्सअप करने के लिए आप बीच बीच में थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे, और थोड़ा सा सूखा ब्रश भी कभी कभी यूज करेंगे, ताकि ये जो मिक्स है सारे कलर का एक प्रॉपर जो सीनरी क्रिएट हो सकता है। इस तरह का मेरा कलर मिक्स हो गया है, इस तरह का मैंने क्रिएट की हूँ। उसके बाद हम थोड़ा सा बर्ड बनाएंगे। इसके लिए मैंने ब्लैक कलर का इस्तेमाल की हूँ, वही फेविक्रिल का ब्लैक कलर का इस्तेमाल की हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी सीनरी क्रिएट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप इसको खाली भी दो तीन कलर भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि फर्दर हम लोग इसका जो डेकोरेशन करने वाले हैं वो बहुत कमाल का लगेगा। वाओ, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एक सुंदर सा जो सीनरी है इवनिंग का बन चुका है। चलिए, इसके बाद हम लोग फर्दर इसको डेकोरेट करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ जो सब्जी का, आलू प्याज का जो थैली आता है उसका मैं ले रही हूँ। आप यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर का ली हूँ, ताकि मेरा जो पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो कलर मैंने बनाई हूँ वो दिखना चाहिए। मैं अगर यहाँ पर रेड या येलो कलर का लेती वो अच्छी तरह से जो पीछे का सीनरी है वो अच्छी तरह से उभर के नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पर नेट का ली हूँ और व्हाइट कलर का ली हूँ। और इसके लिए मैंने कैसे बना रही हूँ आप देख लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से टाइट करके मैंने बांध लूँगी एक लेस ली लगा के। इसके लिए मैंने हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ, और पीछे से इसको पकड़ ली हूँ और अच्छी तरह से इसका नॉट जैसा बना दूंगी, और इसका हैंडल भी डेकोरेट कर लूँगी। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है
आप जरूर मुझे एक बार बताइएगा ताकि मेरा जो हौसला है वो बढ़ेगा, मुझे लगेगा आप लोग को मेरा वीडियो भी पसंद आ रहा है। इसके बाद फर्दर हम लोग थोड़ा सा इसको डेकोरेट करेंगे। इसके लिए मैं गोल्डन कलर का लेस ली हूँ, इसको चारों तरफ लगा लूँगी ताकि थोड़ा सा यूनिक डिजाइन बन जाएगा। ये देखिए इसका हैंडल और जो फ्राइंग पैन है कितना खूबसूरत बन गया है। चलिए इसको एक बार आपको झलक दिखा दूंगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इस तरह का आपके पास कोई भी खाली होगा तो इसको आप ले लीजिएगा। हाइट के हिसाब से मैंने आधा कर ली हूँ, इसको काट लूंगी। आप यहाँ पर चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हो या इस तरह का आप कटिंग के लिए आता है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका स्टिकर भी हम लोग हटा लेंगे, उसके बाद इसका सिंपल सा बनाएंगे, कुछ कलर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो पैन है बहुत कलरफुल हो चुका है। इसलिए मैंने यहाँ पर हॉट ग्लू गन में वही जो गोल्डन कलर का लेस लगा लूँगी और थोड़ा सा डिजाइन देने के लिए एक छोटा सा मेरे पास जो भी था मैंने इसको हॉट ग्लू गन में चिपका दिया। चलिए इसका कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे आपको दिखा देती हूँ। आप इसमें ड्राई फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो हम लोग डिब्बा जो बनाए थे उसमें आप पानी डाल के कोई भी इंडोर प्लांट आप लगा सकते हो या इसमें मिट्टी डाल के आप कोई भी प्लांट लगा सकते हो। और हैंगिंग प्लांटर का जो एक अच्छा है कि आप कहीं भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, कोई भी दीवार पे आप आपकी मर्जी आप लगा सकते हो। इस तरह का आपका घर का भी खूबसूरती बढ़ जाएगा और आपका जो पुराना जो भी सामान है इसका यूज भी हो जाएगा। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं नए एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।